अब हम चलते हैं अगली टिप की तरफ। बच्चों की स्किन जब वो स्कूल जाते हैं, जाहिर है खेलते हैं कूदते हैं, जो उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी भी है, उनकी स्किन टैन हो जाती है, जो उनका अपना असल कॉम्प्लेक्शन होता है वो खो जाते हैं, खो देते हैं कुछ सालों तक। हाँ। बकायदा क्योंकि बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, हाँ। फुटबॉल खेल रहे हैं, और जो कि बहुत जरूरी है उनके कद बढ़ने के लिए, उनके एक्टिव होने के लिए। हाँ। सो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? जैसे अभी हम लोग जर्मनी या जब भी ये स्विमिंग के लिए भी जाती है तो आपको पता है पानी भी थोड़ा सा टैन करता है, क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन होता है, वो टैन करता है आपको, स्कूल आपको टैन। तो मेरा एक काम होता है जैसे ही मुझे मौका मिल जाए ना, तो मैं बहुत, आप बच्चों को बहुत कुछ करें ना तो वो यूं हो जाते हैं, नहीं 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 कुछ नहीं करना, मैं कहती बेटा कुछ नहीं है, हल्का सा दूध मुंह पे मल लो। अच्छा, कुछ नहीं, टमाटर मुंह पे मल लो, टैन के लिए सबसे बेस्ट। मैं मीरब को पसंद, लेकिन मेरा एक जरूर होता है, मैं सन ब्लॉक इसको जरूर लगाती हूँ। इसका सन ब्लॉक मैं जैसे कहते ना मार्केट से थोक के साथ में आप महीने के सौदे में लेकर आते हैं, उस तरह मैं जर्मनी से जब जाती हूँ तो मैं बच्चों का सन ब्लॉक लाती हूँ और यहाँ की उसके हिसाब से, ताकि मुझे पता हो कि बेटे कुछ ना हाथ मुंह पे लगा के भेजो, ताकि एटलीस्ट एक लेयर तो आप बचाए ना। उसके बाद आपका टोटका काम आ जाएगा कि फायरिंग बग में मिल गई, बच्चे आपके हाथ में आ गया, फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी, आपने दूध मल के छोड़ दिया, आपने टमाटर मल दिया स्किन पे, ताकि वो टैनिंग भी साथ के साथ, ये नहीं कि टैन होने का हमने वेट करना है, नहीं अभी तो टैन हुआ है नहीं। जैसे आप बच्चियां तो फिर भी काबू में आ जाती है, जैसे बालाज जो है ना मेरा, वो सुनता नहीं था, अब उनके स्कूल में होती है स्विमिंग बालाज को ना व्हाइट स्पॉट्स पड़ना शुरू। मैंने तस्वीर खींची, मैंने अफजल लोधी, डॉक्टर अफजल लोधी को भेजी कि मैं क्या करूँ ये, कि क्या है, हमें लगता था ये कैल्शियम की कमी है, बेसिकली वो सन स्पॉट्स होते हैं, सूरज की वजह से बच्चों को पड़ते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे एक सर्टन सनब्लॉक का नाम बताया जो मुझे पाकिस्तान से मिल गया। मैंने कहा बालाज ये तो मैं अपने बैग में रखनी है, मैं लगा के सुबह भेज दूंगी, मगर तुमने लगाने से पहले निशान और बढ़ेगा और वो अलग अलग, और थोड़ा बच्चों को कॉन्शियस भी करे। हाँ। जैसे इनको मैंने कॉन्शियस किया, मैंने कहा ये जो तुम हर वक्त कहती है, मैं तो तुम्हें कहती हूँ ना कि आप ब्यूटीफुल है, लोग आपको कहते पहले, तो ये ब्यूटीफुल नहीं रहेंगी अगर आप केयर नहीं करेंगी, आपके सारे निशान, आपकी स्किन दो रंग की हो जाएगी, एक तरफ से ग्रे होगी, एक तरफ से वाइट होगी, अजीब तीन रंग की, अभी खुद भी कॉन्शियस, तो बच्चियों को थोड़ा कॉन्शियस भी रखना चाहिए, और इसी एज में कॉन्शियस करेंगे तो थोड़ा सा आप खुद भी लगी हुई होती है मुंह पे लगाने के। फॉर एग्जाम्पल जब हम टीनेज में होंगे तो हम लोग ना उस वक्त मेकअप तो कर लेते थे नया नया, लेकिन हम अपनी स्किन पे इतना फोकस नहीं करते थे। मगर अगर आप आजकल की बच्चियां देखें, मेरी बेटी को मेकअप से ज्यादा कह रही है मुझे मेकअप की चीजें ना दिलाएं, मुझे स्किन केयर की चीजें दिलाएं। अच्छा, स्किन अगर अच्छी है तो मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये आजकल की बच्चियों को पसंद पता चल रहे होते हैं। ये आजकल की बच्चियों को ये देखें ना, आपके हाथ में जो मोबाइल है ना उससे बड़ी चीजें अवेयरनेस भी, जहाँ बुराई है वहाँ इसकी अवेयरनेस भी है बहुत ज्यादा, बच्चों को पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, स्किन। और अच्छा, मेरी अम्मा को बहुत अवेयरनेस थी। अच्छा, तो मेरी अम्मा ने, हमारे घर में भी मेकअप वेकअप कुछ अलाउ नहीं था, तो मेरी अम्मा ने बचपन से कहा बेटा ये जो दूध पे मलाई आई ना ये उतारो, इसमें लीमू निचोड़ो और ये लगाओ। हमने किया, स्किन इतनी अच्छी होती है, सॉफ्ट रहती है, सॉफ्ट रहती है। आप मुल्तान में रहे, हम पंजाब में रहे, आपको पता है वहां की भी सर्दियां कड़क वाली और गर्मियां भी कड़क वाली, मलाई निकाली, लीमू डाला उसके अंदर और उससे क्लींजिंग करो और इतनी अच्छी स्किन, सॉफ्ट, ना कोई खर्चा, ना कोई सारा दिन की डस्ट, बस सब नकल्स ये वो कभी नहीं बने, मेरे नकल्स आज तक नहीं बनते, और आपके हाथ भी साफ, आपकी स्किन भी साफ, इवन कि अगर आप रात को हल्का सा होंठों पर टैप टैप करके सो जाएं, होंठों की स्किन पिंक होना शुरू हो जाती है। और दूसरे के उसमें ग्लिसरीन भी, हमारे यहाँ हमारी अम्मी ने, मैंने सर्दियों वाले लोग, हाँ सर्दियों में पाकिस्तान कराची में ना कर लीजिए, नहीं जी हमारे यहाँ अभी भी होता है, क्योंकि यहाँ भी अब अच्छा मौसम खुश्क आता है, ड्राई वेदर के लिए ये है, गुलाब का अर्क, ग्लिसरीन और आपने लेमन मिला के एक बॉटल में, कराची वाले लोगों को चाहिए कि बस वो फ्रिज में रखें, वरना खराब हो जाएगा। पंजाब में क्योंकि ठंड अच्छी होती है तो आप बाहर रख सकते हैं, तो उसमें क्या आप हल्का सा लें, इतना लाइट होता है, आपका इसका आइडिया कि वो एक तो सॉफ्ट रखता है, शाइन ग्लिसरीन से आपके शाइन। अच्छा, मैं देखती हूँ अरूबा की स्किन तुम्हारी बहुत माशाल्लाह अच्छी है, तो तुमने क्या किया, तुम्हारी बेटी की भी प्यारी स्किन है जो 5 बजे सुबह सोई नहीं है और ऐसे आई है, तो उसकी स्किन देखो कितनी प्यारी चमक रही है। नहीं, मैं ये दही के अंदर रोज पेटर और शहद मिक्स करके, अगर आप स्किन तो, जो पत्ते तुम मिला रही हो वो ड्राई हुए हैं, ड्राई पत्ते या नॉर्मल पत्ते? नहीं, ये मतलब आपने पीसने हैं ना एक साथ। अच्छा, ड्राई कर लें। अच्छा,
और ये करके आप अगर दही में मिला ले, हाँ दही में शहद मिलाकर, अच्छा अगर आप फेस पे लगाते हैं या बॉडी पे लगाते हैं तो आपकी स्किन जो है ग्लो करेगी और बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। यानी रोज पेटल ड्राई करके पीस के दही में मिलाया, उसमें शहद मिलाया और आप ये तीन चीजें मिला के आप अपनी पूरी बॉडी की स्किन पे लगा सकते हैं, फेस पे भी, और ये बच्चों को भी हार्मफुल नहीं रहेंगे। हाँ आसानी से लगा लेंगे, तो ये बहुत अच्छी टिप है। एक ये हो गई, एक आप भी कोई टिप दे दें बच्चियां, जैसे अब जैसे अरीन बड़ी हुई जाहिर है बच्चों के पिंपल निकलते हैं, एक्ने बहुत इशू होता है ना। सबसे पहले तो जब ये स्कूल जाते थे इनके रंग खराब हुए, तो मैंने क्या किया, मैं पुदीना लेती थी, एक पतीली में पानी बॉइल किया और जब पानी बॉइल हो गया चूल्हा बंद किया और उसमें पुदीने के पत्ते डाल दिए और उसको ढक्कन दे के ऐसे ही दम लगा दिया। सही। और उसके बाद उसको छान के उस पानी की बोतल भर के उसको फ्रिज में रख दिया। जैसे ये स्कूल से आते थे इनको पिला भी दिया और स्प्रे गन में डाल के हल्का हल्का मुंह पे शावर कर दिया। वेरी गुड आइडिया। एकदम आपको ना ठंडापन फील होता है, जो जलन स्किन को हो रही होती है वो खत्म हो जाती है और उसके बाद आपका रंग टैन नहीं होता, वो जो अंदर आपके गर्मी पूरा दिन टैन के लिए, तो वो बेस्ट। और दूसरा ये कि मैं क्या करती थी, मैंने एक जार में बादाम पीस के रखा हुआ था और मैं उसको हल्का ऐसे दूध में भिगो के रखा, एक टीस्पून पाउडर निकाला मैंने बादाम का और थोड़ा सा एक टेबल स्पून दूध में भिगो के रख दिया। अच्छा। और उसके बाद जब वो दो चार घंटे भिगा रहता है तो एक बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। तो आप उसको स्क्रब करती थी क्या बच्चे? नहीं, ऐसे लगा के छोड़ दें। अच्छा, मुंह पे लगा के, क्योंकि बेबी स्किन पे आप स्क्रब नहीं कर सकते। हाँ। आप लगा के छोड़ दें और उसके बाद 15-20 मिनट लगा रहे, उसके बाद धुला दें। अच्छा, और टीनेज में जो हमें एक्ने स्कार्स हो जाते हैं उसके लिए ये सिनेमन पाउडर को पानी में मिक्स करके लगाएं, वो मैंने लगाया, मतलब लाइक पानी में मिक्स किया सिनेमन पाउडर, दालचीनी, हाँ हाँ, और उसको थोड़े से पानी में मिक्स करें, कॉफी जैसा पेस्ट बन जाएगा और उसको जानदार स्कार्स वहाँ लगा के छोड़ दें, उससे गायब हो जाएगा। ये मैंने इससे किया। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप स्किन पे लगाते हैं तो हल्की सी ना जलन, उससे परेशान नहीं होना, वो नेचुरल है। वेरी गुड, वेरी गुड यार, जबरदस्त। शरीफा वाला नया सुना बालों के लाइस के लिए, ये मैंने पहली दफा सुना। ये जो दालचीनी है इसका सबसे जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया जब बच्चे पैदा हुए, खासतौर पे मेरा बेटा, तो मेरे झाइयाँ पड़ गई और मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने टीवी में हकीम साहब अल्लामिया, उनको लंबी ज़िंदगी दे, मैं अभी भी उनको देखती हूँ लेकिन नाम भूल गई हूँ माजरत के साथ, तो उन्होंने बताया था कि इसको पीस के आप पानी में डाल के आप अपनी स्किन पर लगाएं। तो मैंने कोई एक महीना लगाया होगा, मेरी झाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये भी कितनी अच्छी चीज है, क्योंकि ये होता है बच्चों के बाद हर उसको, तो और क्या कमियां होती है जिसकी वजह से फॉलिक एसिड वगैरह, तो इसी जलन होती है शुरू में स्किन पे, लेकिन आप एक दो चार दिन लगाएंगे, मेरा ख्याल है जिनको वैसे भी हो करके एक दफा देखें, क्योंकि ये कोई इतनी बुरी चीज नहीं है, सिनेमन और ये इतनी अच्छी चीज है। अगर आपका वेट स्टक हो गया, नहीं जा रहा, तो आप रात को आप उसको डालें पानी में और एक ग्लास में डालें और पकाएं, जब एक कप रह जाए तो उसमें शहद डाल के पी के सो जाएं, तो 15-20 दिन बाद आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी, चाय की पत्ती भी डाल देगी।